6 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन, 9 6 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो 6 स्क्वायर ए है इसके जगह में हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कहाँ से आया, ये रहा कि 6 स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है, तो यहाँ लिख देना सिंस करके, क्योंकि यहाँ जो हम लोग लिखे हैं ये मतलब हम लोग का लॉजिक और रीजन यहाँ लिखना होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आइडेंटिटी का हम लोग जो इस्तेमाल किया ये लिख देना होगा यहाँ, ओके। और ये रहा रिमेनिंग पार्ट, माइनस 9 10 स्क्वायर है, इसको लिख दो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 9 हो गया, ठीक है। अब 9 इंटू फिर ये वाला पार्ट 10 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 9 10 स्क्वायर है, और ये रिमेनिंग जो बचा है माइनस 9 10 स्क्वायर है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा, ओके। तो क्या बचा, सिर्फ 9, क्योंकि ये देख लो ये पोर्शन प्लस में है, ये माइनस में, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा सिर्फ 9। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑफ कोर्स बी होगा, ठीक है।